नमस्कार जी हाँ बहनों और भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, देशवासियों, आप सबका इलेक्ट्रोहोमोपैथी के इस विशेष क्लास में स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस कार्यक्रम में आने से एक घंटा पूर्व देश के विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों के साथ गूगल ऐप पर, यूट्यूब पर लाइव प्रसारण में इलेक्ट्रोहोमोपैथी के आपके इस साथी को आमंत्रित किया गया और मैंने देश के विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों के साथ इलेक्ट्रोहोमोपैथी पर गहन चर्चा की। संभवतः वो कल या आज रात में आपको YouTube पर दिखाई भी पड़ेगा। और जितने बेबाकी से मैंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी के पक्ष को विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के विशेषज्ञों के समक्ष रखा, उसमें आयुर्वेद के, यूनानी के, एलोपैथिक के, प्राकृतिक चिकित्सा के और स्वदेशी चिकित्सा के चिकित्सक थे, जिन्होंने अपनी बातों को बड़ी बेबाकपूर्ण टिप्पणियों के साथ रखा। वहीं पर एंकर ने मुझसे इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में उत्सुकता जाहिर की और देश के तमाम इलेक्ट्रोहोमोपैथिक चिकित्सकों के सर्च करने के बाद उस चैनल ने मुझे आमंत्रित किया और मैं लगातार, मैंने व्हाट्सएप पे वो ग्रुप में वो फोटो डाली थी जिस पर हमारी लाइव चर्चा चल रही थी। उस लाइव चर्चा में एक खास बात जो उभर के आई कि प्रत्येक चिकित्सा पद्धति का विशेषज्ञ इलेक्ट्रोहोमोपैथी से अनभिज्ञ नहीं है और वो इलेक्ट्रोहोमोपैथी में कुछ बेहतर परिणाम तलाशने की गुंजाइश रखते हैं। चर्चा हुई कैंसर पर, चर्चा हुई एड्स पर और यहाँ तक चर्चा हुई कि अगर इलेक्ट्रोहोमोपैथी की चिकित्सा क्षेत्र में संभावनाएं अच्छी हैं तो निश्चित रूप से इस चिकित्सा पद्धति को आगे प्रमोट किया जाना चाहिए। और मैंने भी अपनी इस चर्चा में पूरी तरीके से इलेक्ट्रोहोमोपैथी के वर्तमान की स्थिति, इलेक्ट्रोहोमोपैथी के औषधियों की पूरी कार्यप्रणाली को उन विशेषज्ञों को समझाया। आपको जान के ताज्जुब होगा कि उस एक्सपर्ट कमेटी में USA से और ब्रिटेन से कुछ अन्य चिकित्सा पद्धतियों के एक्सपर्ट जुड़े हुए थे। उन लोगों ने भी इलेक्ट्रोहोमोपैथी के मेरे व्याख्यान को, जो मैंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में उनको समझाया और बताया और उसके परिणाम बताए, कैंसर पर बड़े बड़े विशेषज्ञ अपने अपने मत दे रहे थे, तो मैंने वहाँ पर उनको ओवरटेक करते हुए इस बात की चर्चा की कि पूरा विश्व और हर चिकित्सा पद्धतियाँ कैंसर के अथाह सागर में अपने आप को तैरता हुआ ही पा रही हैं और कोई भी चिकित्सक या कोई भी चिकित्सा पद्धति पूर्ण रूप से कैंसर मुक्त अभियान का हिस्सा नहीं बन पा रही है। और हम इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सक के रूप में कैंसर मुक्त अभियान के हिस्सा बन करके हम एक बेहतर परिणाम देने की हम कल्पना ही नहीं करते, बल्कि बेहतर परिणाम दे रहे हैं। चर्चा हुई रेडिएशन पर, चर्चा हुई कीमोथेरेपी पर, चर्चा हुई बायोप्सी पर और फिर वहीं पे प्राकृतिक चिकित्सक और स्वदेशी चिकित्सकों ने अपनी बातों को बेबाक की पड़ी के रूप में समाहित किया और सब ने इलेक्ट्रोहोमोपैथी की चिकित्सा विधि को सराहा। और मैंने कहा कि हमारे देश में लगभग 5 लाख इलेक्ट्रोहोमोपैथिक चिकित्सक हैं और ये दुर्भाग्य है कि अभी ये मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए जीवन यापन के दृष्टिकोण से कुछ न कुछ लोग इलेक्ट्रोहोमोपैथी को छोड़कर अन्य व्यवसाय में लगे हुए हैं, लेकिन आज भी 5 लाख लोगों में से लगभग 35 से 40% लोग इलेक्ट्रोहोमोपैथी की विशुद्ध चिकित्सा पद्धति में लगे हुए हैं। ये थी आज के उस लाइव प्रसारण की जो आरोग्य भारत नामक एक नया ऐप बना है और उस आरोग्य ऐप पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक, उनके प्रांत के निकटवर्ती चिकित्सक, उनके जिले के निकटवर्ती चिकित्सक, इन सब का पूरा डेटा है और उसी चैनल ने ये लाइव प्रसारण 1.5 घंटे का जारी किया था। आप सब संकल्प लें कि आप इलेक्ट्रोहोमोपैथी ही अपनाएंगे, इलेक्ट्रोहोमोपैथी का ही प्रचार प्रसार करेंगे। मैंने तो उस लाइव प्रसारण में लोगों से कहा कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इलेक्ट्रोहोमोपैथी अपनाइए, तो सारे चिकित्सकों ने ताली बजा करके मेरे स्लोगन का स्वागत किया। और जिन साथियों ने अगर उसको देखना चाहा है तो उसका लिंक भी मैं कल सुबह तक आपको शेयर कर दूंगा, आप पूरा का पूरा लाइव प्रसारण सुन सकते हैं कि मैंने क्या बोला और अन्य चिकित्सा पद्धतियों के लोगों ने क्या बोला है। मैं अपने साथ उन महान इलेक्ट्रोहोमोपैथिक साथियों का नाम लेकर के सम्मानित कर दूँ जो इलेक्ट्रोहोमोपैथी के क्षेत्र में देश के विभिन्न कोनों में अपना नाम कमा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट मेरे पास कई
स्रोतों से आई है, कई सूत्रों से आई है और मैंने भी ये जज किया है कि उनका बहुत अच्छा काम है, जिसमें सबसे पहला नाम है पंचम सिंह हरिद्वार से। बहुत ही अच्छे चिकित्सक हैं, हालांकि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में बहुत कम समय में आए, लेकिन बहुत जल्द इन्होंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी की बारीकियों को पकड़ा, हमारे फार्मूलों को पकड़ा और रोगियों को स्वस्थता की ओर ले जा रहे हैं। और दिन भर में कम से कम इनके पास इलेक्ट्रोहोमोपैथी में 20 से 25 रोगी पर डे, पुराने रोगी आ रहे हैं जिनकी ये चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। और अगर इलेक्ट्रोहोमोपैथी में आप 10 रोगी 5 रोगी भी दिन भर में देखते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि आप बहुत अच्छे चिकित्सक हैं। कारण कि पैसे की होड़ में आज रोगी पहले बड़े बड़े चिकित्सालयों की ओर भागता है, बड़े बड़े चिकित्सकों की ओर भागता है और जब हर जगह से हताश और निराश होता तो कहता है कि चलिए इलेक्ट्रोहोमोपैथी के डॉक्टर को भी आजमाया जाए। तो अगर आप दिन भर में 5 रोगी भी देखते हैं तो मैं मान के चलता हूँ कि 5 रोगी आप वो देखते हैं जो अन्य चिकित्सकों से हताश और निराश आते हैं, क्योंकि आप सर्दी खांसी जुकाम और बुखार नहीं देखते हैं। आपके पास तो जटिलतम लोग आते हैं, सियाटिका का रोगी आता है, स्पॉन्डलाइसिस का रोगी आता है, गले का कैंसर का रोगी आता है, दमा का रोगी आता है और आप तब हमको फ़ोन कॉल करते हैं सर इनको ये प्रॉब्लम है। और जहाँ तक इलेक्ट्रोहोमोपैथी की लोकप्रियता की बात है, मैं अभी आपको दिखा तो नहीं सकता क्योंकि नीचे रखा हुआ, मुझे यहाँ से उठ जाना पड़ेगा। 5 दवाओं की कूरियर से दवा कल सुबह जाने वाली है और ये दवाएं जाएंगी रोहतास बिहार में, सिरसा बिहार में और उज्जैन मध्य प्रदेश में। मैंने लाख कहा कि मैं आपको बगल के चिकित्सक को रेफर कर देता हूं, लेकिन रोगी ने कहा नहीं, दवा आपकी ही आएगी, आप कूरियर से हमारे पास दवा भेजिए, वीडियो कॉल से बात हुई। तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी की रोचकता बढ़ रही है, इलेक्ट्रोहोमोपैथी आम जनता में जानी जाने लगी है। अब ये बात बहुत दूर की कहानी हो गई कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी क्या है, अब तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी गूंज रही है और लोगों का विश्वास जग रहा है और वो विश्वास जगा है आप सबके काम करने से। अगर आप काम ना करते, आप खुल करके सामने ना आते तो शायद इलेक्ट्रोहोमोपैथी को जानने और समझने वाला कोई ना होता और आज हम इतने दावे के साथ लगातार पर डे आपके बीच ना आ रहे होते। हम भी डर के दब के छुपे होते और अपने आप को इलेक्ट्रोहोमोपैथी चिकित्सक कहलाने में शर्माते। और शायद इसीलिए मैंने आपसे कल कहा था कि आप अपने नाम के साथ गर्व के साथ लिखिए EH डॉक्टर फला। हमारे दूसरे चिकित्सक हैं गाजियाबाद के बिनेश पाल सिंह। बिनेश पाल सिंह जी भी बहुत अच्छा कार्य इलेक्ट्रोहोमोपैथी में कर रहे हैं और इनके कार्यों की सराहना की जानी चाहिए। हमारे तीसरे चिकित्सक हैं डॉक्टर नरेंद्र पटेल, जो शासन अहमदाबाद के हैं। शासन क्षेत्र आपने सुना होगा, जहाँ पे शेरों का अभ्यारण्य है, वहाँ पे संरक्षण है और वहाँ पर वो अपनी बेटी के साथ, बेटी उनकी डेंटिस्ट है और ये इलेक्ट्रोहोमोपैथिक चिकित्सक हैं और कई रोगियों की समस्याएं लगातार ये हमसे चर्चा करते रहते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं गुजरात के क्षेत्र में। हमने आपको एक बताया हरिद्वार यानी उत्तरांचल से, एक अच्छे डॉक्टर हमने गाजियाबाद से आपको यूपी के बताए, दूसरे नरेंद्र पटेल जो गुजरात के बताए। अब आइए देश की राजधानी दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में दो अच्छे चिकित्सक कार्य कर रहे हैं, एक महिला और एक पुरुष। हमारे सूरज कुमार जी नए नए उभरते हुए चिकित्सक हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा जल्दी से उन्होंने इलेक्ट्रोहोमोपैथी की नब्ज को पकड़ा है और दवाइयों का सिलेक्शन करना उन्होंने सीखा है, क्योंकि वो दवाइयाँ लिखते हैं तो मैं उसको ओके कर देता हूँ कि आपका सिलेक्शन सही है। और दूसरी हमारी लेडी डॉक्टर हैं नई दिल्ली की वीना वोरा जी, जो हैं तो बहुत पुरानी डॉक्टर और इलेक्ट्रोहोमोपैथी में बहुत दिन से कार्य भी कर रही हैं, लेकिन जितनी तेज़ी वो पिछले एक साल से लाई हैं उससे वो कहीं ज़्यादा पीछे थी और अब उनको लगता है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी में कुछ बेहतर नहीं बल्कि बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं और उनके पास रोगियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अब आइए हम बात कर लेते हैं अपने पश्चिम पूर्वोत्तर के प्रांतों की। उड़ीसा से डॉक्टर पुष्पा सिंह जी हैं, ये भी इलेक्ट्रोहोमोपैथी में बहुत अच्छा काम कटक में कर रही हैं और कटक जैसे क्षेत्र में जहाँ पे इलेक्ट्रोहोमोपैथी के चिकित्सकों की बहुत संख्या तो नहीं है लेकिन इनके पास रोगियों की संख्या इलेक्ट्रोहोमोपैथी के विशेषज्ञ के रूप में ज़्यादा है। और अंतिम नाम आइए भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या से कर लें, डॉक्टर ए पी सिंह बिसेन जी हैं जो अयोध्या के भरत कुंड के पास सूर्यकुंड एक है वहाँ पर ये बैठते हैं और वहाँ पे मैंने जा करके इनकी क्लिनिक का अवलोकन भी किया। इलेक्ट्रोहोमोपैथी में इनका बहुत अच्छा परिणाम है, बहुत अच्छा कार्य है और बहुत मनोयोग के साथ ये भगवान राम की नगरी में इलेक्ट्रोहोमोपैथी का दीपक जलाए हुए हैं। आप सातों चिकित्सकों को इलेक्ट्रोहोमोपैथिक समाज की ओर से, पूरे देश की ओर से मैं बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप सब इलेक्ट्रोहोमोपैथी के रूप में अग्रसर रहें और प्रतीक्षा करें हमारे अन्य सुनने वाले साथी कि जैसे ही मुझे आपके अच्छे कार्यों की जानकारी होगी मैं आपके नामों की घोषणा भी इसी कार्यक्रम में करूँगा। बस ज़रूरत है आपको इलेक्ट्रोहोमोपैथी के बारे में बहुत गंभीरता से
मनन करने की, चिंतन करने की, और इसको इलेक्ट्रोहोमोपैथी को अपने रोगियों पर सफल इलाज करने के लिए अपने आप को लगाने की। यद्यपि आप सब बहुत अच्छे चिकित्सक हैं और जितने भी साथी हमारे लाइव सुन रहे हैं वो सब हमारे बहुत अच्छे श्रोता हैं, इलेक्ट्रोहोमोपैथी के जानकार हैं, लेकिन अभी भी हम आपको प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोहोमोपैथी की औषधियाँ एंजाइम्स हैं तो ये प्रेरणा ही देती हैं, उत्प्रेरणा ही करती हैं, तो मैं भी आपको एज ए एंजाइम्स आपको एज ए कैटलिस्ट में आपको उत्प्रेरित कर रहा हूँ कि आप इलेक्ट्रोहोमोपैथी में रम जाइए, इलेक्ट्रोहोमोपैथी का दीपक जलाइए, क्योंकि आने वाला कल इलेक्ट्रोहोमोपैथी की चिकित्सा का कल है और हम बीते दिनों की कहानी भूल जाएं, वर्तमान में जीना सीखें। हमारे जिन श्रोताओं को हमारी हैंडबुक ऑफ इलेक्ट्रोहोमोपैथी जो 1650 रुपये में आपके घर पहुँच रही है और प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन जो 1350 रुपये में आपके घर जा रही है, अगर दोनों बुक आप एक साथ मंगाते हैं तो 2800 रुपये में आपको आपके घर भेजी जाएगी। हमारा फोन पे नंबर है 9450563748। हमारा पेटीएम नंबर है 7905882569। इन दोनों में से आप किसी पर भी पेमेंट भेज करके अपने स्क्रीनशॉट और अपने पते और पिन कोड के साथ हमारे व्हाट्सएप पर भेजेंगे, बुक आपके घर आपको बैठे मिल जाएगी, आपको कहीं आना जाना नहीं है। नमस्कार।